कानपुर देहात से खबर, जहां पर कार की टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया। छात्रों से भरा टेम्पो था, 10 बच्चे जख्मी हुए हैं। एक छात्रा की हालत नाजुक बताई जा रही है, कई छात्र जख्मी हैं। टेम्पो में सवार थे एक दर्जन छात्र, सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। परीक्षा देकर वापस जा रहे थे सभी छात्र। डेरापुर क्षेत्र के गौरियापुर के पास NH2 का ये मामला है। एक दर्जन छात्र जख्मी हुए हैं, गौरियापुर के NH2 का ये मामला। परीक्षा देकर ये छात्र वापस लौट रहे हैं। कानपुर देहात से खबर, कार की टक्कर के बाद टेम्पो पलट गया। टेम्पो में छात्र थे जो कि परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे। 10 बच्चे जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है।